हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैंगो कप आइसक्रीम की रेसिपी को। ये आइसक्रीम खाने में जितनी ज़्यादा यम्मी है, बनाने में उतनी ही आसान है। आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। मैंगो कप आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के पके हुए आम ले रखे हैं। वजन में नापेंगे तो ये हाफ के जी आम हैं। सबसे पहले हम आम का छिलका उतार करके तैयार कर लेंगे। आम को हमने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था, अब हम आम का छिलका उतार लेंगे। आप जो भी आम इस्तेमाल करें आइसक्रीम बनाने के लिए, आम अच्छा पका हुआ मीठा और गूदेदार होना चाहिए। और ये लीजिए, आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। अब हम आम का सारा फल अलग कर लेंगे। आप कच्चे आम का, अधपके आम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा आइसक्रीम बनाने के लिए, नहीं तो आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं आएगी। अच्छी क्वालिटी के पके हुए और मीठे आम का ही आप इस्तेमाल करिएगा अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए। और ये लीजिए, हमने आम का सारा फल अलग कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम आम का सारा पल्प ट्रांसफ़र कर देंगे। आम के पल्प को जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। इस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसकी जगह पर आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। एक बार आप आम को खा करके टेस्ट कर लीजिएगा कि आम कितना मीठा है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। अब हम सारी चीज़ों को 5 मिनट तक हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, आम को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस आइसक्रीम को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें 1 ग्लास फुल फैट ठंडा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए, हमारा ये आइसक्रीम का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे आइसक्रीम कप में ट्रांसफ़र कर लेंगे जमाने के लिए। आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम कप ले रखे हैं डिस्पोजल वाले, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम बैटर को सारे कप में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह का आइसक्रीम कप नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चाय के छोटे वाले ग्लास होते हैं डिस्पोजल वाले, इनमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। इनमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो घर में छोटी स्टील की कटोरियाँ तो होंगी, उनमें आप इन आइसक्रीम को जमा करके खा सकते हैं। उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। आइसक्रीम को कप में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे सिल्वर फॉइल पेपर, ताकि जब इसे हम फ्रीजर में रखें सेट होने के लिए, तो फ्रीजर की बर्फ़ आइसक्रीम पे ना आए और आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो। ये एक ज़रूरी पॉइंट है आइसक्रीम को जमाने से पहले, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी आइसक्रीम को अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट के लिए, सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा है। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। हमने जो डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को रखा था जमने के लिए, यदि आप चाहें तो उसमें आइसक्रीम स्टिक को भी सेट कर सकते हैं। पेपर के ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे और हम आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर सेट कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस मैंगो आइसक्रीम को बना सकते हैं। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद ये मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर से सिल्वर फॉइल पेपर को हटा देंगे और इसकी हम गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, थोड़ा सा रंग बिरंगी टूटी फूटी से और फ्रेश पुदीने की पत्ती से। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। और जो हमने डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को जमाया था स्टिक लगा करके, ये भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर वाली ये मैंगो कप आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। सो गाइस, मैंगो कप आइसक्रीम की ये रेसिपी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
साथ ही दोस्तों यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आप इसे हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।